पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई गई सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी की जानिब से कोयले की खुदाई का काम जारी है, जबकि 660 मेगावाट का बिजली घर और एग्रो पावरजन थर लिमिटेड की जानिब से लगाया गया, जिससे 660 मेगावाट बिजली की तरसील की जा रही है। हुकूमत सिंध और सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी की जानिब से समाजी तरक्की के कामों को अंजाम देने के लिए थर फाउंडेशन बनाई गई है। थर फाउंडेशन बैनुल अक्वामी पायदार तरक्की के अहदाफ को मद्देनजर रखते हुए तालीम, सेहत, पानी, रोजगार और दीगर मसाइल के हल के लिए इलाके में मियारी काम कर रही है। थर फाउंडेशन की जानिब से 27 स्कूल यूनिट्स चलाए जा रहे हैं, जिनमें 4000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि सेहत के शोबे में भी बेहतरीन काम किया जा रहा है। थर फाउंडेशन अस्पताल के कयाम समेत मारवी क्लिनिक, गोडानो डिस्पेंसरी, न्यू सेनरी दर्स डिस्पेंसरी, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक में हजारों लोगों का मुफ्त तिब्बी मुआयने समेत मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। 17 आरओ प्लांट्स लगाए गए हैं, जिससे हजारों की आबादी को पीने का साफ पानी मयसर आ रहा है। हुकूमत सिंध और एग्रो की जानिब से कोल माइनिंग की खुदाई के मंसूबे के रास्ते में आने वाले गांव सेनरी दर्ज को शिफ्ट किया गया है, जिसमें हर शादीशुदा घराने को एक 4 कमरों, मेहमान खाने, मवेशी के बाड़े वाले घर को फराहम किया गया है। मॉडल विलेज में तमाम बुनियादी सहूलियात बहम पहुंचाई गई हैं, जिसमें स्कूल, क्लिनिक, खेल का मैदान, मार्केट, मस्जिद, मंदिर, कम्युनिटी हॉल, पक्की सड़कें, ड्रेनेज का निजाम, पीने के पानी के 2 बड़े आरओ प्लांट्स शामिल हैं, जबकि गांव के तमाम घरानों को सालाना 1,00,000 रुपए की ग्रांट भी दी जा रही है। सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी की जानिब से माहौलियाती तब्दीलियों के पेश नज़र थर मिलियन ट्री मंसूबे को भी पाया तकमील तक पहुंचाया गया है। खवातीन की खुदमुख्तारी के लिए विमेन डंपर ड्राइविंग के मंसूबे को कामयाब बनाया गया, जिसमें 50 से ज़ायद खवातीन को डंपर चलाने की तरबियत दी गई है। जिसमें से 26 खवातीन इस वक्त कोयले को पावर प्लांट तक शिफ्ट करने का काम अंजाम दे रही हैं, जबकि 13 खवातीन तरबियत के बाद आरओ प्लांट्स भी चला रही हैं। मकामी अफराद को रोजगार की फराहमी के हवाले से खुशहाल थर ऑफिस कायम किया गया है, जहां से मकामी लोगों को रोजगार फराहम करने के साथ साथ टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। मकामी लोगों को रोजगार मिलने से उनकी जिंदगियों में आसानी पैदा हुई है।